खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि राजस्थान सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। रीट मामले में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने आगे बढ़कर इस मामले की जांच एसओजी से कराई और ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि कोई भी दोषी नहीं बच पाए। वहीं देवस्थान मंत्री शंकुतला रावत ने कहा है कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं सबसे निचले स्तर पर जाकर लोगों को लाभान्वित कर रही है। ये जांच खुद मुख्यमंत्री ने आगे बढ़कर रीट मामले की जांच एसओजी को दी और उसके बाद मामला शांत हो गया। धीरे 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 यहां तक जांच कैसे पहुंची, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। एक भी बचना नहीं चाहिए, कोई भी दोषी हो उसको गिरफ्तार करो, गिरफ्तारियां हुई और अब सीटें बढ़ाकर और रीट का एग्जाम कैंसिल कर दिया। आपके पास कोई तथ्य है तो आप वो तथ्य लेकर आइए विधानसभा के टेबल पर, आप टेबल कीजिए विधानसभा में। सारी उम्मीदें राजस्थान की पूरी हुई हैं, हर युवा हो, किसान हो, महिला हो, व्यापारी हो, सारे वर्ग की जो आशाएं होती हैं, जो उम्मीदें होती हैं वो मुख्यमंत्री महोदय सम्माननीय अशोक गहलोत जी के हर बजट में पूरी हुई हैं और उम्मीद से अधिक मुख्यमंत्री महोदय देने वाले हैं राजस्थान को और हर वर्ग को, हर गाँव को टच करने वाले हैं। चाहे किसानों की किसान मित्र योजना हो, चाहे चिरंजीवी योजना हो, कन्यादान योजना हो, कितनी जो योजना है सारी योजनाएं और भी आगे जो धरातल तक पहुंच रही हैं, राजस्थान सरकार की ही एक ऐसी योजना है जो कि हर गांव को, ढाणी को टच करने वाली, हर वर्ग को टच करने वाली और धरातल पे उतरी हैं।